नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम वास्तु का विज्ञान ये सब्जेक्ट को लेते हुए देखेंगे कि वास्तु जो है वो किस तरह वर्क करता है और वास्तु और विज्ञान किस तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये वीडियो में हम वास्तु शब्द के बारे में जानेंगे और वास्तु किस तरह कार्य करता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि वास्तु शब्द जो है वो वस धातु पे से बना है। शास्त्र में कहा गया है, यत्र मर्त्या अमर्त्या वसंते इति वास्तु, यानी कि मर्त्य यानी जिनकी मृत्यु निश्चित है, जैसे कि तमाम सजीव सृष्टि, जीव जंतु, हम सब मनुष्य और पेड़ पौधे, इनको मर्त्य कहा गया है क्योंकि उनकी मृत्यु निश्चित है। और अमर्त्य मीन्स जिनकी मृत्यु नहीं है, जो अमर है, जैसे कि देव, ये सब जहां पे बसते हैं उसको वास्तु कहते हैं। वास्तु शास्त्र जो है वो सूर्य की जो ऊर्जा है, सौर्य ऊर्जा, उसका विज्ञान है। हम सब जानते हैं कि सूर्य जो है वो पूर्व में उदित होता है, उदय होता है, और पश्चिम में उसका अस्त होता है। तो सूर्य जो है पूर्व में उत्तरायण और दक्षिणायन करता रहता है। ये दरमियान सूर्य की जो सुबह की कोमल किरणें हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट है और विटामिन डी युक्त है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट का उसको मिलती है। यानी सुबह की सूर्य की किरणें ज्यादा जो है यहाँ पे मिलती है, जो विटामिन डी युक्त है, जो हमारे मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है। तो इसकी वजह से ही एक कारण है कि यहाँ पे मंदिर रखने का शास्त्र में कहा गया है। साथ में ही सूर्य का जब अस्त होता है तो उसकी जो नकारात्मक किरणें है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो ज्यादातर यहाँ पे मिलती है। इसलिए ही शास्त्र में साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट के जो द्वार है उसको नेगेटिव माना गया है। कहने का तात्पर्य है कि वास्तु जो है वो वास्तु शास्त्र सूर्य ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा का जो विज्ञान है उसके साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। साथ में ही वास्तु शास्त्र जो है वो हवामान यानी कि एटमोस्फियर जो है हमारा, उसका भी एक विज्ञान है। तो एक एग्जाम्पल इसका देते हैं, जैसे कि ये मुंबई है, यहाँ पे हम देखें कि उसके पश्चिम में ओवरऑल ये, तो मुंबई का अगर हम बात करें रेसिडेंट की, तो अगर यहाँ पे वेस्ट में ज़्यादा विंडो रखेंगे तो यहाँ की जो ठंडी पवन है वो इनको मिलती रहेगी। इसलिए मुंबई के जो मकान है, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह जो कि हवामान है वो यहाँ पे वर्क करता है। तो अगर यहाँ पे मुंबई में मकान बनाने में आता है, ग्रुप बनाने में आता है, तो वेस्ट में ज़्यादा विंडो रखनी अच्छी रहती है क्योंकि हमें ज़्यादा अच्छी पवन, ठंडी पवन यहाँ पे मिलती है। उसी तरह अगर हम राजस्थान के वास्तु के बारे में सोचें, तो अगर यहाँ पे मकान, जैसलमेर की बात करें, यहाँ पे अगर मकान बनाने में आ रहा है और वेस्ट साइड अगर हमने ज़्यादा विंडो रखी, तो यहाँ पे वेस्ट साइड में रन होने की वजह से ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो ये मकान में आएगी। तो यहाँ पे जो वास्तु हम अप्लाई करते हैं मुंबई में, वही जैसलमेर में वास्तु अप्लाई नहीं कर सकेंगे, उसमें थोड़े हमें चेंजेस करने होंगे। उसी तरह अगर हम देखें, अगर कश्मीर में कोई मकान हम बना रहे हैं, तो देखिए हम सब जानते हैं कि नॉर्थ जो है उसको अच्छा माना गया है, नॉर्थ के द्वार, और नॉर्थ में अगर ज़्यादा खिड़कियाँ हो वो अच्छी मानी गई है। लेकिन अगर कश्मीर में हम बना रहे मकान और नॉर्थ में ज़्यादा खिड़कियाँ, विंडो रखी, तो यहाँ की जो ठंडी पवन है वो ज़्यादा यहाँ पे आएगी और एकदम कोल्ड वातावरण कर देगी। तो यहाँ पे हमें ये अवॉइड करना होगा, नॉर्थ में ज़्यादा विंडो हम ये जगह पे अगर मकान बना रहे हैं तो नहीं रखेंगे। इसी तरह हर अलग अलग जगह का जो भी एटमोसफेयर है उसके हिसाब से मकान की रचना करनी चाहिए। तो ये भी वास्तुशास्त्र जो है हवामान शास्त्र के साथ
जुड़ा हुआ है, ये हम समझ सकते हैं। आगे हम देखें कि वास्तुशास्त्र जो है वो पवन की जो ऊर्जा है, पवन की जो दिशा है, उसके साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ज़्यादातर हमारे भारत देश में पवन जो आती है, हवा जो आती है, वो नैऋत्य के मौसमी पवन के रूप में यानी साउथ वेस्ट में से ज़्यादातर आती है। तो देखिए, शास्त्र में एक बात कही गई है कि नैऋत्य दिशा में द्वार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नैऋत्य में हमने अगर मकान बनाए और नैऋत्य में द्वार रखा साउथ वेस्ट में, तो अगर 50 साल में एक बार भी अगर तूफान आता है तो ऐसे मकान को ज़्यादातर नुकसान रहेगा, क्योंकि भारत देश में ज़्यादातर जो पवन है वो साउथ वेस्ट में से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाती है। तो ये पवन की जो शक्ति है, पवन की जो ऊर्जा है, उस पर भी वास्तुशास्त्र जो है वो जुड़ा हुआ है। वास्तुशास्त्र जो है उसे ज्योतिष की संतान माना गया है। जो इंसान अच्छा वास्तुशास्त्री बनना चाहता है उसको ज्योतिष का भी ज्ञान होना अनिवार्य है, क्योंकि ज्योतिष और वास्तु भी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र में मकान जो है उसकी भी एक कुंडली बनती है, और साथ में ही हम जानते हैं कि गुरु स्वामी यानी मकान मालिक की भी एक कुंडली है। तो गुरु और गुरु स्वामी की कुंडली का अगर मिलान अच्छा है तो वो जो मकान होगा वो मकान मालिक को, गुरु स्वामी को अच्छा फल देगा, वहाँ पे वो सुख शांति और समृद्धि पाएगा। तो इस तरह से वास्तुशास्त्र जो है वो ज्योतिष के साथ भी जुड़ा हुआ है, ग्रह नक्षत्र योग इन सब के साथ उसका संबंध है। साथ में वास्तुशास्त्र जो है वो मैग्नेटिक फोर्स, पृथ्वी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर वास्तु दोष हुआ तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो परेशानियों का सामना करेंगे। देखिए, जियोपैथिक स्ट्रेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्ब होने से ही उत्पन्न होता है। हम सब जानते हैं कि हमें साउथ यानी दक्षिण में सिर रखे सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण में अगर हम सिर रख के सोते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो खून है उसमें लोह तत्व है आयरन, और वो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रभावित होता है। अगर दक्षिण दिशा में हम सिर रखे सोएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें नींद जो है वो अच्छी आएगी, लेकिन अगर हम नॉर्थ में उत्तर में सर रखे सोए तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमारा जो तालमेल है वो बिगड़ेगा, और इसकी वजह से हमें समयांतर ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या सिर के कई रोग होने की पॉसिबिलिटी आएगी। शास्त्र में एक सीधी बात कही गई है, जो इंसान उत्तर में सर रख के सोता है नॉर्थ में तो वो मृत्यु को पाता है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड है, वही जवाबदार है, कारणभूत है। वास्तुशास्त्र जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बिना भी अधूरा है। हम सब जानते हैं कि कोई भी मकान बनाने के लिए रेती मिट्टी कंकर ये सब हम लेते हैं, इनका जुड़ना प्रॉपर वे में जरूरी है। तो इन सबको जुड़े रखना जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के हाथ में है। साथ में ही हमने जो मकान बनाया वो जमीन पे टिका रहे तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स का जो विज्ञान है वो भी वास्तुशास्त्र के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो अभी तक हमने ये जो 9 बातें देखी, जो कहीं ना कहीं विज्ञान भी है और वास्तुशास्त्र का उसके साथ संबंध भी है, तो इससे हमारा जो वास्तु के प्रति एक हमारी जो सोच है वो बदलेगी। और वास्तु कोई माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट तो है, साथ में ही वो विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। जितना आप वास्तु के अनुसार चलेंगे, वास्तु जो है वो कुदरत के साथ आपकी एक तालमेल जो है एक बैलेंस बना के रखता है। तो जितना आप वास्तु को बैलेंस करोगे उतना ही आप अपनी लाइफ में अपने आप को बैलेंस पाओगे। तो हो सके उतना वास्तु को फॉलोअप करिए, और अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, आपको कोई दिक्कत है, परेशानियां हैं, कोई मुश्किलों को लेकर आप चल रहे हैं, और आप अगर हमारी कंसल्टेंसी चाहते हैं, हमारी एडवाइस चाहते हैं,
तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, मेरा नाम है दिलावर सिंह वाघेला, कॉन्टेक्ट नंबर है 0971218080 8 और मेल है हमारा info@astroalchemist.com। आशा रखता हूँ ये वीडियो जो है आपकी जो सोच, आपके जो विचार वास्तु के प्रति है वो कहीं ना कहीं अच्छी तरह से बदलेंगे। हो सके उतना वास्तु के साथ जुड़िए, वास्तु के अनुसार अपना मकान, ऑफिस, कोई भी जगह जहाँ पे आप जुड़े हुए हो वो वास्तु के हिसाब से बनाइए, ऐसा मैं आपको कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।